नमस्कार, मैं अनामिका। जानते हैं बिहार की 25 खबरों के बारे में। सीएम नीतीश कुमार करेंगे उन्नयन बिहार योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत बिहार के कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत पूरे राज्य में 5628 सभी उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 56 इंच के टीवी स्क्रीन लगाकर ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे, जिनमें अभी तक 4500 स्कूलों में टीवी स्क्रीन लगाए जा चुके हैं। जदयू का इस बार ठीके तो है नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 के होने वाले चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में उथल पुथल मची हुई है, जिनमें जदयू की तरफ से सबसे पहले पटना के जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है क्यों करे विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। भौतिक चिकित्सा दिवस पर प्रभात रंजन ने लोगों को किया जागरूक। फिजियोथेरेपी से लकवा सहित कई बीमारियों से इलाज संभव है, इसकी जानकारी डॉक्टर संतोष उपाध्याय ने एक्स्ट्रा केयर के उपलक्ष्य में फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक के माध्यम से लखनऊ में 1 सितंबर को दी, जिसमें नई दिल्ली एम्स के डॉक्टर प्रभात रंजन ने लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव और जागरूकता लाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने कई हेल्थ टिप्स भी दिए। गांधी मैदान में 8 से 18 नवंबर तक लगेगा पुस्तक मेला। इस मेले में देश भर के 200 से अधिक प्रकाशक शामिल होंगे, जिसमें इस बार मेले की थीम में पेड़, पानी और जिंदगी रखी गई है। आपको बता दें कि यह मेला पहले 2-2 सालों के अंतराल में लगते थे, अभी इसी तरह का यह 25वां पुस्तक मेला लगाया जाएगा। तेजस्वी लगे मिशन 2020 में। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा 2020 के चुनावी मिशन की तैयारियों में इन दिनों काफी व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने जिला प्रभारियों के साथ बैठक कर सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इस बैठक में राम विचार राय, आलोक मेहता और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी उपस्थिति रही। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ ही अन्य नेताओं ने भी अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अरुण जेटली दर्द में भी मुस्कुराते थे। उनका जाना देश, एनडीए पार्टी और खासकर बिहार के लिए बड़ा ही नुकसान है। उनका व्यक्तित्व हम लोगों को सदा ही प्रेरणा देता रहेगा। जिसके साथ सुशील मोदी ने भी कहा कि वो बेहतर चुनाव प्रबंधन के साथ ही पार्टी के मार्गदर्शक भी थे। एसएसपी गरिमा मल्लिक, एएसपी लिपि सिंह किए गए सम्मानित। सीआईडी की तरफ से पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बेहतर माहौल को बनाने के लिए बिहार के गौरवान्वित करने वाले पुलिसकर्मी साथ ही पत्रकार को भी सम्मानित किया गया, जिनमें पटना की एसएसपी गरिमा मल्लिक, बाढ़ एएसपी लिपि सिंह समेत 312 पुलिसकर्मियों और मधुबनी के पत्रकार कुमार गौरव भी शामिल हैं। रोटरी लिच्छवी और संरचना आर्ट थिएटर की तरफ से संचालित किए गए निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षण शिविर में बच्चों को थ्योरी क्लासेस, शेड्यूल और स्टडी मटेरियल भी दिए गए, जिनका उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण करना है। इसके अंतर्गत केंद्र में प्रशिक्षण लेने वाले 50 छात्र छात्राओं को पहचान पत्र भी दिए गए। डायटिशियन डॉक्टर अर्चना नेमानी ने बच्चों को रहन सहन, खान पान के तरीके भी बताए। राबड़ी देवी बोली, बातें डबल इंजन की पर कोई घिसा पीटा चक्का भी नहीं दे रहा। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश जी को अब यूपीए का शासनकाल याद आ रहा होगा, जब लालू जी के अथक प्रयासों से तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2004 से लेकर 2014 के कार्यकाल के दौरान एनडीए को 1,44,000 करोड़ की राशि दी गई थी, जबकि उन्हें अभी 72,000 करोड़ रुपए मांगने पर 2,998 करोड़ रुपए की ही सहायता मिली है। रोटरी क्लब पटना सिटी की तरफ से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रोटरी इंटरनेशनल की युवा इकाई रोटरी क्लब पटना सिटी ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन बेलवरगंज स्थित द इंडियन पब्लिक स्कूल में किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यवाहक अध्यक्ष रोट्रैक्टर अंकित कुमार एवं सचिव शुभांगनी गुप्ता ने किया, जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें रविशंकर प्रीत, सविता प्रीत एवं मिस दिव्या भी शामिल है। बिहार सरकार ने बाढ़ राहत की जितनी राशि मांगी वो बहुत ही कम है। बिहार पहुंचे केंद्रीय टीम ने 29 से 31 अगस्त के बीच बाढ़ का मुआयना किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बाढ़ से बिहार को काफी नुकसान पहुंचा है और जितना नुकसान हुआ है उसकी तुलना में बिहार ने बहुत ही कम राशि की सहायता मांगी है। जदयू के स्लोगन पर राजद नेता बोले। राजद नेता वीरेंद्र ने जदयू पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस स्लोगन से पता चलता है कि नीतीश सरकार अब मजबूर हो चुकी है, जो कि उनके स्लोगन में साफ साफ दिख रहा है। अब बिहार से बाहर गायब हो गई है और अब ठीके तो है नीतीश कुमार पर आ गई है। इससे पता चल रहा है कि सरकार अब नाकाम हो गई है।
आगामी 16 अक्टूबर 2019 को कबड्डी का आयोजन। भोजपुर जिला में बाबा कुंदेश्वर मंदिर बिलौटी में 16 अक्टूबर से प्रथम राष्ट्र स्तरीय ओपन नेशनल कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 8 राज्यों के पुरुष खिलाड़ियों के साथ ही महिला खिलाड़ी की 4 टीमें भी शामिल होंगी। बिहार सरकार ने बाढ़ राहत कार्य के लिए मांगे 2700 करोड़। बाढ़ राहत कार्य के लिए पहुंची टीम ने लिया हालात का जायजा, जिसके बाद पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में बिहार सरकार ने 2700 करोड़ की राशि के लिए अनुशंसा की है। यह राशि बढ़ भी सकती है, जिसके बाद मंगलवार को यह अनुशंसा केंद्रीय टीम को भेज दी जाएगी। मनोज झा बोले, देश के सभी विश्वविद्यालयों में लगाई जाए पीएम और सीएम की फोटो। सांसद मनोज झा ने निशाना साधते हुए पीएम मोदी और सुशील मोदी से आग्रह किया है कि उनकी तस्वीरों को देश के तमाम बिजनेस स्कूलों में लगाया जाए और उनके ज्ञान को बांटा जाए। और मैं माननीय नीतीश कुमार जी से कहूंगा कि तमाम विश्वविद्यालयों में उनकी आदमकद तस्वीरें लगा दी जाएं। कुशवाहा ने कहा, सीएम साहब बिहार के भविष्य के लिए इस्तीफा दे दीजिए। तेजस्वी के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर जमकर तंज कसा है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के भविष्य के लिए अब नीतीश सरकार का सुशासन काम नहीं कर रहा है, अब तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कब तक आप कुर्सी के मोह में देश को बर्बाद करते रहेंगे। राज्य के आधे ईंट भट्टे बंद हो गए। राज्य में 31 अगस्त तक सभी ईंट भट्टों को नई तकनीक जिग जैग को अपनाने को कहा गया था, जिसके बाद इस तकनीक को नहीं अपनाने वालों के भट्टियों को प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने इन्हें बंद करवा दिया। T20 क्रिकेट में किया सर्वाधिक विकेट हासिल। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाड़ी लसित मलिंगा सर्वाधिक विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मैच में 99 विकेट हासिल किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे सफल गेंदबाज बन गए। सेना बहाली प्रक्रिया दानापुर में 2 सितंबर से हुई शुरू। दानापुर के चांदमारी स्थित डिफेंस कॉलोनी के आर्मी मैदान में 2 से 15 सितंबर तक सेना बहाली की दौर प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिनमें राज्य के 7 जिलों के अभ्यर्थी में पटना के 4,665 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 24 नवंबर और 19 जनवरी को लिखित परीक्षा ली जाएगी। सीएम नीतीश ने कहा, सूखे से निपटने के लिए बदलते मौसम के अनुरूप करें फसलों की बुआई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बैठक ने कृषि विभाग के सचिव को फसल चक्र का फाइनल प्रस्ताव लाने के आदेश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कृषि के विषय ये संदेश दिया कि बिहार के 72% लोग कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बदलते मौसम के अनुसार ही फसलों की बुआई करें। भारत में रोजाना 7 घंटे से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की तेज रफ्तार और सस्ते डाटा के कारण दुनिया भर में यूजर्स ने इंटरनेट पर और अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया है। हाल ही में ब्रॉडबैंड एनालिसिस वेबसाइट businessfiber.co.uk के एक रिसर्च में बताया गया है कि भारत में इंटरनेट यूजर्स किसी भी प्रकार के मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़ी स्क्रीन के सामने लगभग 7 घंटे 47 मिनट बिताते हैं। बिहार सहित देश के 16 राज्यों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 16 राज्यों सहित मध्य भारत में 24 घंटों से लेकर 4 सितंबर तक बिहार राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना बताई है, जबकि देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। बिग बॉस 13 का प्रोमो हुआ रिलीज। बिग बॉस 13 का प्रोमो शूट किया जा चुका है, इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। इस शो के कंटेस्टेंट के नाम आ चुके हैं। इसके प्रोमो में सलमान खान, करण वाही और सुरभि ज्योति साथ दिखेंगे। लैंडर विक्रम चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक हुआ अलग। चंद्रयान 2 को 5वीं और अंतिम कक्षा में भेजा जा चुका था। लैंडर विक्रम चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से अलग हो चुका है। यह चांद की सतह पर 7 सितंबर को उतरने वाला है। महज 6 गज में बनाया 3 मंजिला मकान। आपको बता दें कि इस 6 गज के घर में कदम रखते ही सीढ़ियों से एंट्री के बाद बेडरूम, उसके बाद किचन और सबसे ऊपर में बाथरूम बने हुए हैं। इस घर में 3500 किराया देकर करीब 2.5 सालों से रह रहे हैं। यह घर सिर्फ सीढ़ियों पर ही टिका है, जो कि दिल्ली का अजूबा घर बन चुका है। अभी के लिए इतना ही। बिहार की ताजा खबरों से अपडेट होने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।